गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डू मैथ्स कॉन्सेप्ट इवन एंड ऑड नंबर्स। व्हाट डेट इज टुडे? टुडे इज 25th January 2021 एंड डे इज मंडे। व्हाट डे इज टुडे? टुडे इज मंडे। एंड विच कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डू टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू डू इवन एंड ऑड नंबर्स। व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे? इवन एंड ऑड नंबर्स। द नंबर विच इज हैविंग अ पेयर, जो नंबर पेयर्स में होते हैं, जिनके पेयर्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो पेयर्स में नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिन नंबर्स के फ्रेंड्स होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और जो फ्रेंड्स के बगैर होते हैं, जो अकेले रह जाते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, नंबर वन। अब देखें, इसके हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो ये अकेला है, इसके तो कोई फ्रेंड नहीं है, सो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स के सामने हम ओ लिखेंगे और इवन के सामने ई लिखेंगे। ठीक है, सो इट इज़ ऑड, ये तो अकेला है। विच नंबर? नंबर इज दिस, इट इज़ टू। नाउ मेकिंग अ फ्रेंड ऑफ टू, टू वन टू, तो ये किस में हो गया? वन टू, ये पेयर में है, ये दो फ्रेंड्स हैं, ये पेयर में है, तो इसलिए ये क्या हो गया? इवन नंबर। ओके, थ्री। अब इसको ड्रॉ करेंगे, थ्री में फ्रेंड्स ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? थ्री में वन टू थ्री। अब दो पेयर्स तो बन गए, एक अकेला रह गया। ठीक है, तो इसके भी पेयर्स पूरे नहीं बने, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड। अब यहाँ पे फोर, वन टू थ्री फोर, वन और टू पेयर, इसके भी पेयर्स बन गए, ये भी, ये दो फ्रेंड्स हो गए और ये दो फ्रेंड्स हो गए, है ना, तो ये कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर इज दिस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब ये दो फ्रेंड्स हो गए, ये दो फ्रेंड्स हो गए और ये तो अकेला हो गया, तो फिर ये कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर। ओके, द नेक्स्ट वन इज सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये दो फ्रेंड्स हो गए, ये दो फ्रेंड्स हो गए और ये भी दो फ्रेंड्स हो गए, तो फिर ये कौन सा नंबर हो गया? इवन। सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब ये दो फ्रेंड्स हो गए, ये दो फ्रेंड्स हो गए, ये दो फ्रेंड्स हो गए और ये क्या हो गया? अकेला रह गया, तो ये हो गया ऑड नंबर। ठीक है, एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ये दो फ्रेंड्स हो गए, ये दो फ्रेंड्स, ये दो फ्रेंड्स और ये दो फ्रेंड्स, तो कोई भी अकेला नहीं रहा, तो ये कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर। ओके, नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन। ये दो फ्रेंड्स, ये दो फ्रेंड्स, ये दो फ्रेंड्स और ये अकेला रह गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर। इवन नंबर्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, जिसमें दो दो फ्रेंड्स होते हैं, और ऑड नंबर जो होता है उसमें पेयर कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, जैसे वन है तो वन अकेला है, इवन नंबर्स में टू है तो टू दो पेयर्स में है, ये दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, थ्री है तो इसमें ये दो पेयर बन गए लेकिन ये अकेला रह गया, तो ये कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर। तो जो नंबर भी पेयर्स में होंगे वो इवन नंबर होंगे, और जो पेयर्स के बगैर होंगे, अकेले होंगे, वो क्या होंगे? ऑड नंबर्स होंगे। ओके, नाउ लेट्स डू द एक्टिविटी। Which number is this? One. One. One is odd number, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है. Which number is this? Two. One. Two. Okay. One and two. It is an even number, क्योंकि ये पेयर में है, इसका इसके साथ पेयर है, जोड़ा बन रहा है, ये दो का पेयर है, इसलिए ये इवन नंबर है। Which number is this? Three. One, two, three.
ये दो तो साथ हो गए लेकिन ये अकेला रह गया, तो फिर ये कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर। जिसमें दो दो पेयर्स पूरे ना हों वो क्या होता है? ऑड नंबर होता है। विच नंबर इज दिस? 4। 1, 2, 3, 4। ये दो पेयर्स और ये दो पेयर्स, ये पेयर्स कंप्लीट हो गए, तो कौन सा नंबर है ये? इवन नंबर। जिन नंबर्स के पेयर्स कंप्लीट नहीं होंगे वो ऑड नंबर होंगे। ये अकेला है तो ये ऑड नंबर है, ये पेयर में है तो ये इवन नंबर है, फिर ये ऑड नंबर है क्योंकि ये पेयर्स में नहीं है, ये 4 है तो ये इवन नंबर है क्योंकि ये पेयर्स में है, ये दो और ये दो का पेयर बन जाता है। देन नेक्स्ट नंबर इज 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये दो पेयर्स हैं, ये दो पेयर्स हैं और ये अकेला है, तो जो नंबर भी आखिर में लास्ट में अकेला रह जाता है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये कौन सा नंबर है? ये पेयर्स में है तो ये इवन नंबर है। ठीक है, देख लें आप के जो नंबर्स भी जो हैं वो अकेले हैं, जिनका पेयर नहीं है वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और जो पेयर्स में हैं वो कौन से नंबर हैं? वो इवन नंबर हैं। ओके, दिस इज योर इवन एंड ऑड नंबर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।